प्यारे दोस्त, मैं अविनाश और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में स्वागत है। इस क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और काफ़ी क्लासेस आने वाली हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है कंपटीशन और एकेडमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot टू दी cosec पावर 4 थीटा, और आपको RHS में cot टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 4 थीटा इसमें कन्वर्ट करना है। सो अगर हम बेसिक में आए तो ये अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर हम ये सोचे कि यहाँ LHS में sec और cosec है, RHS में cot और tan है, तो इनके बीच में क्या रिलेशंस है, वो फॉर्मूले को ब्रेन में सेट करें, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर डालें, तो हमारा RHS आ जाएगा। दैट मीन्स कि sec को अगर हमें tan में कन्वर्ट करना है तो एक रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। cosec को cot में कन्वर्ट करना है तो उनके बीच में एक रिलेशन है आपका cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट लेकर के हम इस क्वेश्चन को LHS से लेते हैं, फ्रॉम LHS नाउ 2 sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, अगेन इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दे सकते हैं प्लस cosec का पावर 4 है तो स्क्वायर का अगेन हम स्क्वायर कर लेते हैं। इस तरह का टर्म्स हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, 2 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा बाय फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। अभी हमारा टोटल टर्म्स जो है वो tan और cot में कॉम्प्लिकेट कन्वर्ट हो चुका है, और इसको केवल हमें सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। दैट मीन्स कि पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर LHS में sec और cosec है तो cot tan में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बीच में एक रिलेशन को ढूंढा, और वो रिलेशन था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रॉपर्टीज को लेकर के, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इन द सेंस ऑफ टेन टू द पावर 4 टू ए बी, तो यहाँ हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 cot स्क्वायर थीटा। अब सिंपल इनका ब्रैकेट जो है वो ओपन कर रहे हैं, माइनस 1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, अगेन मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। तो जो रिजल्ट जो फाइनल बचा वो रिजल्ट था cot टू द पावर 4 थीटा माइनस tan to the power 4 theta. So it is very simple, जो concept हमें बताया उस concept को follow कीजिए और इस type के questions को बिल्कुल fraction of second में solve कीजिए।